नमस्ते दीदी, हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। नमस्ते, हमारा घर में आपका स्वागत है। फिर से आप एक बार पहले भी आए, आप फिर दोबारा आए, बहुत अच्छा लगा। आपका भी स्वागत है। दीदी, इससे पहले मैं जब आया था, अभी कम से कम 3-4 महीने पहले, हाँ तो बहुत ज़्यादा वो वीडियो जो है आपका वायरल हुआ था और कम से कम 10 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा, तो अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा सबको। और किचन वेस्ट खास तरीके से आप जिस तरह से यूज़ करती हैं वो बहुत अच्छा लगा। इससे पहले कि आपसे किचन वेस्ट के बारे में बात करें, पहले और गार्डन को देखते हैं, इस समय क्या क्या खिल रहे हैं, तो अच्छा। क्या दिखा रहे हैं सबसे पहले? पहले सबसे क्या दिखा रहे, देखिए पिटूनिया, ये देसी पिटूनिया है। इसमें जैसा भी 12 महीना ये पिटूनिया खिलते रहेंगे, आपको मिलता रहेगा। इसमें 3 कलर है, एक सफ़ेद है, एक ये कलर है और एक और कलर है। तो अच्छा, ये ये जो देसी पिटूनिया है, इतने अच्छे कलर का तो मैंने पहली बार देखा है। हाँ, ये जो मेरे देवरानी वो फैक्ट्री में काम करता, तो वहाँ से मुझे पौध ला के दिया था, तब से ये हो ही रहा है बस। और ये गमले में ही है? हाँ, ये गमले में ही है। और इसमें ये मैंने लगाया नहीं, ये देखो ये जो इसमें है, ये क्या कहते हैं इसको, अपराजिता। तो ये जैसे जाड़ा खूब हुआ था, आपके तो पता ही है, तो मैंने ये सूख गया, तो मैंने इसके ऊपर से ये टहनी काट के बस पानी वानी डाला और ये भी हरा हो गया, और उसके साथ ये भी खूब बढ़िया चल पड़ा। तो अच्छा, ये मैंने पौधे अपने आप ही उगे ये थे? अपने आप हुई है इसमें, ये देखो मैंने लगाया नहीं, जड़ देखो एक किनारे पे है, लेकिन अपने आप ही हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। तो मैंने कहा इसको रहने दो, अच्छा लगेगा। अब देखो ऐसा लग रहा है इसी को ही लगाया, पूरा गमला भर गया इससे, कितना अच्छा हुआ। पूरा ऐसा लग रहा है कि यही वाला यही पौधा वाला लगा हुआ पौधा है है, और इस तरह से बिल्कुल खड़े में है, खड़े कहीं में फैला है हुआ नहीं है। ना, थोड़ा तो फैल गया था तो मैंने बांध दिया ये ये देखो। बांध दिया तो दूर हाँ, से तो ये पता पूरा भी नहीं चल रहा और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और तभी। इसके अलावा आपके पास जो है इधर किनारे और पिटूनिया दिखाई हाँ, दे रहे हैं। ये तो क्या कहते हैं, नर्सरी का पिटूनिया है। अच्छा, ये नर्सरी का हाँ, है। ये मैंने लगा दिया लाके, देखो ये कब लगाया था आपने? ये लगाया हो गया 1.5-2 महीना हो गया। ये तो अभी लगा, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, ये भी थोड़ा टाइम हो गया। ये दोनों पेड़, ये 3 पेड़ एक साथ लगाया, और ये 2 पेड़ अभी लगाया नर्सरी में गया, तो अच्छा लगा, कलर तो मैं लेके आया, अच्छा लगा। और तो यहाँ तो बिल्कुल खुला छत है, धूप बहुत तेज है हाँ, तो धूप तो सूखते नहीं बहुत है? आता, सूखती नहीं। थोड़ा पानी वूनी का ध्यान रखो तो नहीं होता, जैसे बच्चों का ध्यान रखो ऐसा ध्यान रखो। और इसका मेन क्या है, ये मिट्टी देखो कितना भुरभुरा है ये मिट्टी। इसमें मैंने किचन वेस्ट और रेता मिट्टी मिला के फिर डालती हूँ। ये देखो अंडा का छिलका, किचन से मैं कुछ भी मेरा बेकार नहीं जाता, ये देखो अंडा का अच्छा, छिलका। अंडे का छिलका भी मिक्स करते हाँ, हैं अंडे किचन का वेस्ट? छिलका, चाय पत्ती, जैसे चाय पत्ती छान दिया तो उसको तुरंत मैंने धो के किसी में रख देती हूँ। ठीक तो ठीक जो चाय पत्ती और किचन वेस्ट और जैसे अंडा का छिलका, ये सब मैं किचन एक जगह इकट्ठा करके उसको खाद बना के फिर इसमें मिला देती हूँ। और मिलाने के बाद बस ये चलता रहता है। बीस बीस में अगर ज़रूरत पड़े तो मैं क्या करती हूँ, जो खोल होता है उसका पानी बना के थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं डालना पड़ता। जो एक बार सरसों की खली है, हाँ, सरसों की खली उसको थोड़ा डाल दो बस, बढ़िया खूब चलता है। तो कितने दिन सड़ाते हैं सरसों की खली? जैसे एक हफ्ता हो गया, मैं तो बाल्टी में रख दूँ, जैसे मेरा मन करे पानी में मिला के थोड़ा थोड़ा डाल दिया, जिसमें ज़रूरत है तो डाल देती हूँ, सब और में नहीं डालती हूँ मैं। ये फूल जो है जेली तोड़ते हैं जो इस तरह से सूख जा रहे हैं हाँ, ये ये क्या क्या? डेली तोड़ना पड़ता है, तो मैं घर में था नहीं तो इसीलिए हो गया, आप तोड़ूंगी, थोड़ा टाइम भी होता है अकेले बिल्कुल। हूँ। साथ इधर भी बहुत अच्छे खिल रहे हाँ हैं, ये वर्बीना हाँ ये आपके, देख, ये भी खूब अच्छा चल रहा है। इसमें और दूसरा पेड़ था जो ये ये भी गोदा, मुझे लग रहा है कि देसी वर्बीना है। हाँ देसी वर्बीना, ये इसी टाइम बड़े अच्छा खिलता है। ये तो 2-4 ही पेड़, 2 की 3 पेड़ है इसमें, देखो पूरा ये अलग पूरा। अलग कलर में है, हाँ, अलग अलग कलर में है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये पर्पल शेड का है और हाँ यहाँ थोड़ा सा रेड वैरायटी है। बहुत अच्छा लग रहा तो ये भी पौधे आपने खरीदे थे क्या? नहीं, ये तो अपना आप ही उगता है, जैसे बीज गिरेगा ना, इसी बीज से ही हो बीज से जाता है? यही जम जाएगा और यही होता रहता अच्छा, है। यही बीज है हाँ, ये बीज देखो तो यही इसको है, फिर रखने की कोई जरूरत नहीं जरूरत पड़नी? नहीं पड़ता, ये है बीज अभी पका नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ता रखने का, यही यही होता रहेगा बस।
अपने आप होता रहेगा, अपने आप जब इसका सीजन हाँ। आएगा तो पौधे अपने आप निकल आएंगे। हाँ अपने आप निकल आते हैं। अच्छा ये भी ये देखो देसी पिटूनिया, ये देखो ये सफेद कलर में, ये भी अपना होता है, ये अलग कलर है ये। अच्छा ये अलग, ये कलर, अलग है? कलर है ये अलग कलर है, ये देखो अपना हो गया, मैं लगाया भी नहीं है। तो ये गर्मियों में भी खिलते रहेंगे? ये गर्मी सर्दी इसको बस पेड़ है, जिस टाइम इसका उम्र हो जाए बस फूल खिलना चालू हो जाता है। और कभी लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप गिर के ये होता रहता है, होता रहता है। और ये है डहलिया, अभी थोड़ा गर्मी ज्यादा है ना तो ये सूख रहा है, देखो कोई कोई सूख रहा है तो उसको काटने की जरूरत, हाँ, है काटने की जरूरत है, काट बहुत ज्यादा खिल रहे हैं डहलिया एक साथ। इसमें था 5-6, ये देखो मैंने काटा, ये है ये काटा, ये देखो 1-2-3 ये काटा, अभी ये कितना पास है और खिलता ये है। पुराने टब में ही लगा हुआ है, पुराने टब में ही लगा दिया, अभी इसमें पानी डालूंगी, पानी डालने के लिए छत पे आई हूँ। और ये देखो ये फूल, ये भी अपना होता है। अच्छा ये जो पॉपी है ये वाला, ये अपना ये कलर ही ऐसा इसका ऐसा ही है, तो इसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती? ना ना इसको भी लगाने की जरूरत, ये खुद ही खुद हो जाता, नहीं तो ये किनारा में थोड़ी ना कोई लगाता है। अच्छा यहाँ पर भी है आपके पॉपी? हाँ, और ये जो है ये बड़ा अच्छा लगाता है, ये बीज दो ही पेड़ में कहीं से ला के लगाया, इतना बड़ा बड़ा लाल कलर का खिला था, और मैंने बीज इसीलिए नहीं तोड़ा, मुझे बीज की जरूरत है इसीलिए मैंने। अच्छा ये बीज बनने के लिए आपने रख दिया? आप सोच सकते हो कि इसका बीज इतना बड़ा है तो फूल कितना बड़ा हुआ होगा। बिल्कुल, फूल देख के सुबह आओ छत पे दातुन करते करते और फूल देखो तो मन खुश हो जाता है कि ना मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है। इसका भी आपने बीज खरीदा था क्या? ये तो खुद ही हुआ अपने ये आप। हाँ, और ये जो है ये मैं 4-5 पेड़ ला के लगाया तो एक जो अच्छा जो पेड़ था तो बारिश में वो खराब हो गया था, और ये दो ही पेड़ हुआ इसी में अच्छा ही हो गया, 2-3 फूल खिला पिछले साल होगा इसी में। ये भी अपने आप ही हुए? हाँ ये अपना आप ही हुआ। तो कभी किसी गमले के साथ आया होगा या पहले कभी लगाया होगा? पहले तो एक बार लगाया मैंने, एक बार लगाया था। हाँ तो आप खुद ही खुद होता रहता है, इधर कोने कोने में भी अपने आप हाँ। जो है यहाँ पर खिलना शुरू हो गए। हाँ ये अपने देखो कि उसका जड़ कहाँ है, कोने कोने में लगाने वाले थोड़ी ना किनारे पे लगाते हैं, ये अपने आप जो है हाँ। हो रहे हैं और उसी में इतने अच्छे फूल खिल रहे हैं। अच्छा अच्छा फूल खिल रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपका जो है पेंजी हाँ। नजर आ रहा है? पेंजी ये तो काफी टाइम से खिल रहा, तभी थोड़ा ये सूख सूख गया, देखो अभी भी ये कली कली आ रहे, हरा हरा हो रहा है, ये पानी डालो तो बस होता रहता है, बहुत अच्छा खिला था, अभी तो है ही नहीं कुछ, थोड़ा बहुत ही है। तो कितने महीने से खिल रहा है ये? ये 2-2.5 महीने हो गए खिल ही रहा है। और सब किचन वेस्ट ही है आपका? सब किचन वेस्ट, रेता मट्टी। और इसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे, ये जो पीला वाला है डहलिया, डहलिया हाँ। तो ये कब लगाया था आपने? 2-2.5 महीने हो गया। 2-2.5 महीने पहले ही लगाया हाँ। तो ये ब्रांच से ही लगाया या पौधे लाए? नहीं ये पौधे लाए थे नर्सरी से। नर्सरी से? अच्छा हाँ। और शुरू से ही इसे कट्टे में आपने लगा दिया? इसी कट्टे में ही लगाया मैंने, तो कोई छोटा पॉट वगैरह यूज नहीं किया? ना ना इसी में ही लगाया, इसी में ही हो ही रहा है। और ये भी आपका डहलिया ही है? ये भी डहलिया ही है, ये चेरी कलर का है। चेरी कलर का, इसमें काफी फूल पहले भी मैंने देखा था। और इसके बाद जो है ये किनारे, ये छोटे वाले गुड़हल होंगे? हाँ छोटे वाले गुड़हल है, इसमें छटाई कर दिया तो आप देखो कितना अच्छा कली कली हो गया, ये खिल भी रहा है फूल। तो बहुत सारे कली कली हो गए हाँ, खूब कली हो गया, खिल रहे देखो, अधखिला सा रहता है लेकिन पूरा भर जाता है हाँ, फूलों से हाँ, फूलों से पूरा भर जाता है ये। तो अभी इसमें जो है कुछ कीड़े वगैरह भी अटैक होना शुरू हो गया हाँ, हो गया तो इसमें स्प्रे करना है, वो कीटनाशक डालना है, थोड़ा 1-2 बार डालूंगी तो हो जाएगा। इसमें इमीडा क्लोप्रिट भी डाल सकते हैं हाँ, और डालूंगी। इसके अलावा कोई दवाई आप यूज करते हैं अभी? अच्छा यही वाली दवाई है जो यूज कर रहे हैं हाँ। ये क्या है? बाइफेंथ्रिन हाँ। तो अभी मेरे ख्याल से आपने यूज किया नहीं होगा काफी दिनों से? हाँ अभी यूज किया नहीं है, थोड़ा टाइम चाहिए, टाइम के लिए नहीं हो रहा। इसका 3 ml जो है अगर 1 liter पानी में मिला करके स्प्रे कर देंगे हाँ, तो सारे कीड़े जो है इससे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो हफ्ते में शुरुआत में जो है 2 बार करना होगा, और उसके बाद फिर आप कंटिन्यूसली 10-15 दिन में एक बार करेंगे? महीने में एक बार कर दो तो हो जाता है। अच्छा इसके किनारे ये गुड़हल, ये भी ऐसा ही है क्या? ये देसी गुड़हल है, ये कट्टे में लगाया।
अच्छा, इसको भी आपने कट्टे में लगाया। हाँ, तो ये जो जाड़े की शुरुआत में मैंने लगाया, अब देखो इसमें फूल कली कितना आ रहा है, पूरा कली से भर गया एकदम, पूरा दिखाई दे रहा है। और कुछ दिन में ये जो है पूरा पूरा हरा भरा, इतना अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। देख सकते हो कितना कली कली है, बिल्कुल भरा पड़ा है। और इसके बाद थोड़ा सा हम आगे की ओर चलते हैं। हाँ। और यहाँ पर देखिए पूरा गेंदे से भरा हुआ है। हाँ। ये कौन सा गेंदा है? इसे लड्डू गेंदा कहते हैं। अच्छा, यही लड्डू गेंदा है। हाँ। तो ये हमेशा खिलते रहते हैं? ये 12 महीने मिलेंगे आपको मेरे पास। ये पहले जो हमने देखा था पिछले वीडियो में पेटियों में लगा हाँ। हुआ था, तो वही गेंदा है? ये वही गेंदा है। उस समय तो इसके जो साइज है और तो भी बहुत बड़े बड़े थे। बड़े बड़े थे क्योंकि अभी थोड़ा गर्मी का मौसम आ गया ना, तो इसीलिए इसी साइज हो रहा है, लेकिन खिलेंगे जरूर। कितना अच्छा लग रहा है देखो, पूरा फूलों से भरा हुआ है और पौधा भी बहुत घना बन गया है। हाँ। तो ये बीजों से लगे हुए हैं क्या पौधे? ना, ये कटिंग से लगाया। अच्छा, सब कटिंग से लगे हुए हैं। हाँ। ये खिल रहा है, उसके बाद ये खिलेंगे, देखो इसमें भी कली कली हुई है। मतलब ये लगाते रहते हैं, बीच बीच में होता रहता है। हाँ। और कटिंग कहाँ से लेते हैं? कटिंग लेती हूँ, जैसे ये हो गया, देखो इसमें कली नहीं है, तो यहाँ से काटो। अच्छा, यहाँ से काट के फिर लगा दो। ठीक। और दो पत्ते ये वाले हटा करके तब? हाँ, लगा दो, बस हो गया। लगा देंगे तो यहीं से इसकी जड़ें निकल आएंगी? निकल आते। मैंने कटिंग भी बनाया अभी, पहले इसको दिखा लो। तो शुरू में थोड़ा सा छाई में लगाना होता है? इसको लगा के कम से कम 15-20 दिन छाई में रखो, जैसे ही दिखेगा कि नहीं ये जी गया तो बस धूप में रख दो। और ऐसे ही ये चलता जाएगा? ये चलता जाएगा। ये खत्म होने से पहले मेरा दोबारा मेरा कटिंग बन भी गया, उसको फिर लगाऊंगी। अच्छा, आपने शायद इस तरफ को ये कटिंग लगा भी रखा है? हाँ, ये देखो। तो ये सारा जो है कटिंग है आपका? कटिंग है। छोटे छोटे डिब्बे में जो भी वेस्ट है उसमें आपने लगा दिया है? जो भी मुझे मिल जाए मैं इसमें लगा दूँ। अच्छा, ये एक बोतल देख रहा हूँ आपने ढक्कन में कुछ छेद कर रखा है। तो हाँ, मुझे उस टाइम स्प्रे मशीन मेरे पास था नहीं, तो मैंने इसी को छेद करके इसी में भी दवाई डाल कर मैं स्प्रे करती थी, और कभी कभी कटिंग लगा तो उसमें स्प्रे की जरूरत होता तो मैं इसी में से कर देती थी। अच्छा, मतलब स्प्रे मशीन भी नहीं चाहिए बनाया और इसी से स्प्रे भी हो जाता है, और जो छोटे पौधे हैं हाँ। जब बीज लगाते हैं तो पानी वगैरह डालने के भी काफी काम आ जाता है, इससे प्रेशर नहीं पड़ता और जो है मिट्टी इधर उधर नहीं जाती। ना ना ना, इसीलिए मैंने इसको बनाया। आप देखो इससे मैं, आप तो मशीन है तब भी मैं इसी का यूज ज्यादा करती हूँ। अच्छा, यहाँ आपने पानी डालने के लिए हाँ, नल बना दिया है? नल मग... अच्छा, यहीं से ही आपने जोड़ दिया पाइप को? जोड़ दिया। ठीक। तो ये भी देखिए एक अच्छा सिस्टम है, इस तरह से आप कर सकते हैं। और इधर भी ये जो पौधे वगैरह आपने लगा रखे हैं, ये देखो कटिंग से ग्रो कर रही हूँ मैं। ये देखो एक ये वीडियो ने मैंने कहा नहीं लगाने की, कहीं पर भी हो जाता है। देखो एक पेड़ ये हो गया और ये कटिंग लगाए, देखो जिंदा भी हो गया ये। अच्छा, भी गुड़हल का? हाँ, ये देखो ये भी, इसी को भी अब लगाना है। ये देखो फिर ये गेंदा का कटिंग, ये साव में रख दिया मैंने लगा के। अच्छा, सब छाई में यहीं पर आपने रख दिया। और ये नया, ये भी एक कैक्टस टाइप का ही वैरायटी है फूलों का, तो ये भी बिल्कुल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। ग्रो कर रहा है बहुत बढ़िया। और ये जो अपने आप निकल आए थे मेरे ख्याल से? हाँ, ये देसी पेंजी है, देसी छोटे वाले जो पेंजी है। हाँ। और ये मेरे ख्याल से होते रहते हैं, पूरे साल भर भी रह जाते हैं ये? तो जैसे इसका टाइम होगा ये खुद ही खुद पेड़ निकल के आ जाता है, बीज गिर के अपने आप से फिर पौधा निकल आएगा, कहीं आप अगर लगा करके रख देंगे तो बस। अच्छा, ये जो फूल दिखाई दे रहा है इसमें तो पत्ता नजर नहीं आ रहा है, बस गुड़हल के फूल फूल नजर आ रहे हैं इसमें। फूल नजर आ रहे हैं, तभी ठंडे में पत्ता सारे झड़ गया, अब कली के साथ फूल भी खिलना चालू हो गए। देखो हार उसमें, तुम्हें कली दिखाई देगा, हार इसमें कली दिखाई देगा। अच्छा, इसमें फूल है, तोड़ भी रहे हैं डेली इसको? हाँ, डेली तोड़ते, डेली आज तोड़ा नहीं, डेली तोड़ते। कितना? 2, 3, 4, 5, 6 फूल खिला आज। देखिए हर जगह खाली फूल नजर आएंगे और पत्ते बिल्कुल है नहीं, ऐसा है लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पत्ते तोड़ दिए हैं सब, खाली फूल ही फूल है। और ये लगा हुआ है उसी पेटी में ही? पेटी में, जो थर्माकोल का बॉक्स है। कितना पुराना होगा ये पौधा? ये हो गया 2-2.5 साल हो गया। 2-2.5 साल में इसी में ही है? इसी में ही है।
तो ये ब्रांच से ही लगाया था? हाँ, ये ब्रांच से ही लगाया था। और ये भी सब इसमें किचन वेस्ट का यूज होता है? ये सब किचन वेस्ट का ही यूज है मेरे पास। यहाँ भी एक गुड़हल का बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ये गुड़हल का पेड़ देखो कितना अच्छा चल रहा है ये। और ये तो अभी मतलब सूख गया है, इतना बढ़िया लग रहा था दिखने में, देखो तो मन खुश हो जा रहा है। इसकी कली देखो, छोटा सा पेड़ है, भरा हुआ है, छोटा सा पेड़ है और इसमें कली देखो। ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ इसको? ना ना, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ये लगाया कि छोटा सा एक गमले में है देखो, इस 10 इंच के गमले में लगा हुआ है। ये देखो किशन बेस दिखाई दे रहा है, ये देखो अंडे के छिलके। सब जगह इन सब चीजों का ही यूज किया, है। मट्टी भुरभुरा होना चाहिए तभी तो पेड़ बढ़ता है। बिल्कुल, आप जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखो, पेड़ पौधे का ऐसा ही ध्यान रखो तो खूब अच्छा चलेगा। यहाँ भी काफी बड़ा है ये वाला गुड़हल, ये भी पेटी में लगा हुआ है। ये भी पेटी में लगा हुआ, अभी तो इसमें कम हुआ, कम से कम एक दिन में 5-6 फूल खिलता है इसमें। अब मान लो 5-6 फूल खिलेगा तो कितना अच्छा लगता है देखो। बिल्कुल, खूब बहुत सुंदर लगता है दिखने में। ये देखो ये पिटूनिया यहाँ भी है, यहाँ भी पिटूनिया कहीं भी निकल आए हैं और ये अपने आप जो है हो रहे हैं। किशन बेस्ट का एक ये करेला का पेड़ भी निकल आया यहाँ, ये अच्छा करेला भी अपने आप निकल आया। किशन बेस्ट डालो कभी रह जाता। बिल्कुल, ये बिल्कुल देखो। तो उसी से ही फिर ये पौधे भी तैयार होते जाते हैं और इसी को फिर इधर उधर लगा भी देते हैं, तो उसमें फिर आपके पौधे भी बन जाते हैं, फ्रूटिंग भी होने लगती है। ये है तुलसी, काला तुलसी, सफ़ेद तुलसी, तो ये जाड़े में भी मेरा मरा नहीं, ऐसे जिंदा है। अच्छा, ऐसे बिल्कुल खुले में रहा? नहीं, ये खुले में नहीं था, ये बरंडे पे ही था, तो जो इसका पुराना पत्ता है सब गिर गया, ये नया पत्ता आया। जैसे सर्दी का मौसम चला गया तो मैं ला के छत पे रख दिया। और ये जो है मैं देख रहा हूँ कि एक बाल्टी में लगा हुआ है स्टील। हाँ, ये बाल्टी में लगा हुआ है, तो अभी पानी डालना है। ये देखो पुराना पत्ता सब सूख के गिरा है, ये तो ये मैंने फेंका नहीं, ये भी खाद बन जाएगा। अच्छा, इसी में ही खाद बन जाएगा, ये मट्टी में मिला दूंगी मैं अभी। ये देखो मेरा मट्टी, हाँ, हर जगह भुरभुरा मिलेगा तुम्हें, तभी तो पेड़ अच्छा होता है। तो इसमें जो है ये नीचे से छेद कर रखा है आपने बाल्टी? हाँ, नीचे से छेद कर, पानी डालो तो निकल जाता है, निकल जाता है। तो ये कितने साल से है इसमें? ये 2 साल हो गया। अच्छा, 2 साल से इसी में ही है? इसी में ही है, 2 साल हो गया। मैंने एक करेला का पेड़ लाके लगाया, ये किचन बेस्ट है नीचे। अच्छा, यहाँ सब किचन बेस्ट का यूज कर दिया अभी? हाँ, आपने किचन बेस्ट का यूज यहाँ कर दिया और ऊपर मट्टी और रेता मिला के डाल दिया। नीचे है तो जैसे ये सड़ना चालू हो जाएगा इस पेड़ में फिर आ जाएगा ग्रोथ बहुत ही अच्छा। जैसे ये इसमें आ गया, ये इधर आपने डहलिया लगा रखा है, इधर कितने पौधे लगाए हैं इसमें? इसमें 2 पौधे हैं। तो ये भी सब कटिंग से तैयार किया आपने? कटिंग से तैयार किया, उसमें से काट के ला के यहीं लगा तो दिया। अभी भी हो जाएंगे ये? हाँ, अभी होंगे, ये देखो कलिया आ भी रही है ये। बिल्कुल, हाँ, इसमें बहुत खिलेंगे। अब तो मैं सोच रही इसका जगह कहाँ से दूंगी, अब कम ना हो जाए जगह, कितना भर गया देखो, घना हो गया एकदम सा। और ये गुलदाउदी आपके हैं, सेव करके रख? हाँ, ये सेव करके रख दिया, अगले साल के लिए चाहिए ये। ये देखो ठीक। और ये क्या आपके पिटूनिया है? हाँ, ये पिटूनिया देसी वाला मैंने इसमें लगा दिया, अब थोड़ा पानी डालना, कल ही लगाया इसको मैंने, थोड़ा छाँव में रखूंगी 2-3 दिन तो चल पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ वेस्ट देख रहा हूँ आपने, ये जो भी आपने गार्डन से निकाला है गार्डन वेस्ट? ये जो है क्या कहते हैं उसको, आइस प्लांट का पेड़ था मेरे पास, तो ये फूल खत्म हो गया तो मैं ला के इसी में रख दिए, सड़ के खाद बन जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ ये मिट्टी वगैरह? हाँ, मिट्टी जैसे गमले खाली होता है, ये आइस प्लांट का ही मिट्टी था तो मैंने इसमें रख दिया। अब जैसे ये पेड़ का जो सड़ना, ये पानी मिट्टी में आ जाएगा। अब जो उसका जो बाहर ना चला जाए, ये जो रस है तो इसमें आएगा, तो इसी में इसका सारा प्रोटीन इसी में आ जाएगा, जो भी एनर्जी है इसी में आ जाएगा। अब और लिक्विड भी बाहर नहीं आएगा और खाद भी अच्छी बनेगी। जैसे इस मिट्टी को गमले में भर के लगाओ तो इसमें कुछ भी जरूरत नहीं डालने की, इतना अच्छा चलेगा पेड़, खूब अच्छा चलेगा। तो ये ऐसे ही रहता है आपका धूप में? हाँ, धूप में ऐसे ही थोड़ा बंद करके रख देती हूँ। मतलब ये आप इसको मुँह को थोड़ा बंद करके थोड़ा रख देंगे बस, और इसी से देखो ये सड़ना चालू हो गया। ये देखो सड़ना चालू हो गया, ये लगभग मेरे ख्याल से 2-3 महीने लग जाएंगे बनने? ना, 2-3 महीने नहीं लगता, उससे पहले ही बन जाता। हाँ, क्योंकि ये पेड़ मुलायम है,
ठीक, ये पेड़ मुलायम मुलायम जल्दी सड़ जाता है। मतलब अगर सब्जियों के छिलके वगैरह भी डाले तो मुलायम चीज या मुलायम चीज जल्दी जलता है। छोटे छोटे टुकड़े जितने करेंगे उतनी जल्दी खाद बनेगी। खाद बनेगी। और इसमें क्या है? इसमें थोड़ा गोबर का खाद था लेकिन कम ही यूज करती हूँ। किचन वेस्ट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसको डालने से कुछ डालने की जरूरत ही नहीं पड़ता। तुम इसको इतना बहुत सारा डाल दो, इसका एक मुट्ठी डाल दो, काम हो जाता है। बिल्कुल। और किचन वेस्ट एक ऐसा सोर्स है जो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं, हमारे घर पर ही अवेलेबल हो जाता है। गोबर तो एक बार के लिए आपको कहीं से लाना पड़ेगा, लेकिन किचन वेस्ट जो है हर घर में मिल जाएगा। मिल जाएगा। ये जो देखो मैंने ये अपना उसमें से उखड़ के ला के रखी हूँ, इसको क्या करूँगी जैसे टाइम मिलेगा इसको काट के रख दूँगी। जैसे गमले में मिट्टी भरती हूँ तो नीचे कभी कभी डालना पड़ता कंकड़ पत्थर तो मिलता नहीं, तो इसी को मैं थोड़ा डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल दूँ, एक छड़ भी जाता खाद भी बन जाता और क्या कहता पानी रुकता भी नहीं है। कभी कभी मिलता भी नहीं है ना, हम बाजार में रहते तो कहाँ कहाँ ढूंढने जाए। बिल्कुल, इसी से ही हो जाता है। अच्छा दीदी, अभी अभी आपने जो है एक नया YouTube चैनल स्टार्ट किया है तो उसका नाम भी सभी को एक बार बता दीजिए ताकि आपके जो गार्डन है वो टाइम टू टाइम वो देख सके और किचन वेस्ट के यूज़ के बारे में जान सके। चैनल का नाम है घर की बगिया। घर की बगिया। घर की बगिया। ठीक, तो इसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अच्छा। तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो दीदी आपने अपना गार्डन दिखाया और अच्छे से बताया कि किचन वेस्ट का यूज आप कैसे कैसे करते हैं। हाँ। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।